चौटन तहसील के ग्राम पंचायत आंटिया के राजसव गांव लखवारा के जीएलआर का आंखों देखा हाल। जीएलआर गिरने के कागार पर है, ऊपर से सारी अंदर धस गई, साइडों से भी गिरने के कागार पर है। कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। प्रशासन और सरपंच को ग्रामीणों ने कई बार अवगत करवाया मगर इस ओर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा। आखिर प्रशासन क्या कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? यहाँ पानी पीने का मात्र एक जीएलआर ही है, पानी व्यर्थ में बह रहा है। कई बार दे दिया। अच्छा अच्छा, तो भाई ठनके नहीं क्योंकि ठीक करवा दे, पर हाल तक कोई काम हुआ नहीं। यस, ये 3 साल से तकरीबन इस हालत में है, जिनसे हालत में, पर ये गिरने के कंगार पे ऊपर से तो अंदर धस गई है और अब ये साइडों में भी गिरने वाली। कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। यहाँ के लोगों को पानी पीने का एकमात्र ये सोर्स है। यहाँ के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया मगर इसके बारे में उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की इनकी। और कैमरामैन से निवेदन रहेगा, एक जीएलआर की तरफ कैमरा घुमाए। जीएलआर की तरफ कैमरा घुमा के फिर इधर जो ये खेड़ियाँ बनी हुई है पशु पीने के लिए, इनके भी हालात देखो आप कैसी जीर्ण से नालत में है। और ना तो यहाँ पे कोई टूटियाँ लगी हुई है, जो ये पानी वेस्टेज जा रहा है और जीएलआर से भी पानी वेस्टेज जा रहा है। ये है इनकी यहाँ की जनता के हालात। लोगों ने अवगत करवाया मगर सरपंच साहब ने भी इस दौर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा। ये यहाँ बोल रहे हैं इस लखवारे में न तो पानी पीने का सोर्स है। जूना लखवारा यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर है, वहाँ पी है तो खारे पानी का सोर्स है और यहाँ जो मीठे पानी का सोर्स है तो जीएलआर जिनसी नालत में है और पीने का एक ही सोर्स मात्र नज़दीक में, या फिर टैंकरों से डलवाना पड़ता है तो टैंकरों से 500, 600, 1000 रुपये के समथिंग एक टैंकर के पैसे।